लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साले इतनी सी बात भी नहीं जाना था कि चोरी करते वक्त छींकते नहीं है। गलती हो गई हमसे। साला बोलता है गलती हो गई। अरे चोरी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? घर बैठेंगे। चौकन्ने रहना, समझे? गाँव में चोरी नहीं होता रे, पहरेदार सब यहाँ रक्षा करे गाँव की। आज तो देखना, हम ये हवेली पूरी साफ कर दूंगा। अरे भविष्यवाणी सुन लो, हमारी भविष्यवाणी सब सही होती है। से सुनोगे पंचतत्व राहु कलम पताल भैरव पूर्णमासी अमावस्य खोल दे भंडार। ए काका भविष्य सुनाए। अरे भविष्यवाणी सुन लो। Thank you.
रास्ता एकदम साफ है हरिया, अंदर जा। तत्व राहु कलम पताल भैरव पूर्णमासी अमावस्या खोल दे भंडार। चल चल जल्दी से स्वामी निकले, अच्छी अच्छी बातें बता। इस घर में तो बहुत बुरा साया है, बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। पूजा घर कहाँ पर है? अरे यही तो है। तोड़ने से पहले हमेशा घर के मालिक के सिरहाने चबिया ढूंढ लेनी चाहिए। घर माँ एक अंधी बुढ़िया भी है, हमेशा सुपारी कूटती रहती है। मुसीबत है, जब देखो तब शोर मचाते रहती। अरे कैसी माँ है तुम्हारी? अरे दिन भर तो थका रहता हूँ, काहे के लिए बकर बकर। ओह मर गई रे। माँ जी के बारे में रात भर शिकायत करती, अच्छा है जो दिन भर हम घर में नहीं रहते। Thank you.
कुछ माल काम का है, बाकी तो सब बेकार है। दिखने में खाली सोना का है, बाकी सब तो तांबा और पीतल है। दो बोरा बजरी दे दूंगा, बोलो मंजूर है तो। साहब, हमने अपनी जान दांव पर लगा कर ही चोरी की है। पूरे गांव वाले बड़ी आस लगा के बैठे होंगे और आप केवल दो बोरी बजरी दे रहे हैं। अरे वो भी ज्यादा दे रहे हैं। ये गहना चोरी का है, न तुम पहन पाओगे न हम पहन पाएंगे। अरे इससे ज्यादा देंगे तो हमको भी चोर बनना पड़ेगा। काली चराल, एक दिन ऐसे ससुर का घर कहना ही लूट ले, बाद में देखेंगे। अरे कुछ लोग चोरी करे गए थे ना, वापस आया कोई? कृपा प्रभु। सुशीला, ए माई, सुशीला को देखा? नहीं पता देखा। नहीं कहाँ? अरे इतना शोर काहे मचा रहे हो? इतनी क्या जल्दी मची है तुम्हें? अरे क्या कर रहे हो? अभी करने दो। अरे हमरा हाथ दुख रहा है, छोड़ो हमरा हाथ। क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो। अभी किसी से मिले भी नहीं और शुरू हो गए, शर्म नहीं आती है? तो हे प्रभु, हमारे गाँव की रक्षा करना बस धन्य है। पेट भर के खाना, जश्न मनाना, जजा ले जाओ। देखा, किसी का कम नहीं पड़ना चाहिए। अरे कैसा है बेटा नंदू? अरे मोर बेटा, बिटिया नंदू आ गए? ऐसे काहे खड़ा है बेटा, नाराज है काम से? ए, अरे कहा हुआ है इसको?
आप इसे चोरी में साथ क्यों नहीं ले गए? ओ ये बात है, साथ नहीं ले गए इसे नाराज हो है? अरे अगली बार ले जाएंगे। ठीक है। अरे गोदी तो आओ हमारे बेटा, आजा बिटिया तू भी आजा। अरे आजा मेरा बच्चा, अरे आजा जा 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 जा। क्यों भैया, हमारी भविष्यवाणी सच हो गई ना? अरे बिल्कुल सच रे, जे तू कैसे कर लेती है? अरे भविष्य के बारे में हम क्या बताएं, हमरा कहा खाली नहीं जाता। अरे जरूर। ठीक है, ज्यादा बड़े बोल मत बोलो, जाओ बाजार जाओ। हाँ नहीं तो। अरे जा जा भाऊजी, काहेला हमसे इतना जल रही हो, अब लाओ टोकरा दे दो हमरा के। अच्छा चलो रे, चलो लेते जाओ, आगे बढ़ो, लेते जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वहाँ देखो कौन है, क्या हुआ? क्या हुआ? ए का हुआ रे इसे? अरे का हुआ? अरे उन पहरेदार ने घायल कर दिया है का? ए भाई जी, ठीक हो जाएगा ना? हैं? बहुत बेरहमी से मारा है। ए भौजाई, तुम्हारे घर वाले को कुछ नहीं होगा, रो मत, कहना मत रो, बेकार है चिंता करती है। मुट्ठी भर लोग का समझते हो अपने आप को? आसपास के 30 गांव में राजा साहब का राज चले हैं और तुम उन्हीं की रानी साहिबा का हार चुराए हो? हम वही ढूंढने आए हैं। अरे चोरी का सामान ढूंढना है, पूछताछ करना है, गांव के बाहर करो, गांव के अंदर काहे घुसे? तुम महल के अंदर घुसकर रानी साहिबा का हार चुराओगे तो हम का तुम लोगों को छोड़ देंगे? हमारे गाँव से कोई भी महल के अंदर नहीं गया, कहीं और जाके पूछो। अच्छा तुम लोगों ने चोरी नहीं की? ए जाओ ले आओ का जिसने चोर को देखा है। चला रे चला, बताओ इनमें से कौन है? जल्दी बता। कोई नहीं है, पर बाजार में जो हमसे रास्ता पूछा था वो बोला था कि वो यही गांव का है। ए, झूठ बोला तो जबान काट देंगे, वो कौन दूसरे गांव का होगा? इसी गांव का नाम सुनकर हम उसको महल का रास्ता बताए, वो अकेला था। हमारे गांव से चोरी करने कभी कोई अकेला नहीं जाते, सब साथ में जाते हैं। हमने बहुत से चोरों को पकड़ा है, इसीलिए कह रहे हैं वो अकेला आया था। ए, साफ साफ सुन लो, चोरी करने वाला हम में से कोई नहीं है, इनमें से कोई भी होता तो मान लेता, वैसे भी हम तुमसे डरते वरते नहीं है। क्या कहा? मतलब चोरी किसी और गांव के लोगों ने की है? ए, हम नहीं बोल रहे, तुम बोल रहे हो। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, इन सब की तरफ से हम तुम्हारे साथ एक सौदा करते हैं, हार हमको मिला तो हम तुमको लौटा देंगे, और अगर तुमको चोर मिला तो हमारे हवाले कर देना। बोलो, चोर को तुम्हारे हवाले करके हमारा क्या फायदा होगा? महल की रक्षा हम करेंगे, वो भी मुफ्त में, लेकिन अगर हार वापस कर दिया तो हम क्या क्या मिलेगा? 100 बोरियां अनाज की। तुम लोगों ने महारानी का हार लौटा दिया तो हम अनाज की 100 बोरियां देंगे। चलो। अगली अमावस्या तक अगर हम उस चोर को नहीं पकड़ पाए तो हम ही गांव के मुखिया नहीं। ए बाबा, कोई महल का रास्ता पूछते हुए यहाँ से क्या था? नहीं नहीं
का किसी ने तुमसे महल का रास्ता पूछा था? नहीं तो नहीं। सबको जाने की जरूरत नहीं, हम अकेले ढूंढेंगे उसको। ए भाई ये ले लो, हमको खीर दे दो। प्रसाद दीजिए, देखिए देखिए कैसे प्रसाद मिल रहा है हमको। हाँ अभी प्रसाद मिल रहा है। कैसी लगी खीर? देखिए कितना को सांप है। अरे अम्मा एक खरगोश ले लो और हमको एक पतीला खीर दे दो। लाओ देती हूँ। ले लो, जल्दी करो ना। दे रही हूं। जानबूझ के नहीं किया हूँ, ऐसा घूर के काहे देख रहे हो? पान है। एक ले ले क्या, जवान सूख जाती है हमारी। अच्छा पान काहे दे रखते हो? ये पान परिवार के लिए अच्छा नहीं है, फिर कहोगे हमने नहीं बताया। चलते हैं, ध्यान रखना है कहीं सांप न काट ले तुमको। पश्चिम से आए हैं, कोई खास खबर है क्या? पश्चिम से यानी चोरनगढ़ से? बिल्कुल। हमारे गाँव से एक आदमी जानकारी ले तो रहा था। हमरे गांव से? हाँ हाँ हमरे ही गांव से था। क्या पूछा उसने? महल का रास्ता पूछ रहा था। महल का रास्ता? आ रहे हैं दोस्त। मंदिर बंद हो जाएगा, जल्दी चलो। थोड़ा अंदर होकर बैठो। हम ये गांव की पहरेदारी करता हूँ। अभी आपका घर देखे, वो पेड़ कितना बड़ा हो गया है, उस पर चढ़कर कोई भी घर में घुस सकता है। ठीक है, हम उसे कटवा देंगे। हाँ। तुम खाना खाकर जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो जाइए जाइए जाइए। संभाल के ले जाना, हम खा लेंगे खा लेंगे। Thank you.
का है? हंसी आ रही है का? चल अपना काम कर। हाथ धो अपना। भैया तुम वही हो ना? कहाँ रे, तुम भी चोरी करने आए हो का? यहाँ नहीं कर सकते हैं, एक औरत ने खुद को फांसी लगा लिया। चलो कोई और घर देखते हैं, चलो चलो दोनों मिलकर चोरी करते हैं। अरे तुम चोरनगढ़ का, चोरनगढ़ का नाम काहे लेते हो तुम? हम? अरे तुम काहे चोरनगढ़ का नाम लेके चोरी कर रहे हो? बेकूफ समझ रहे हो का? चोरनगढ़ हमारा गांव है। अच्छा तो फिर किसी दूसरे गांव का नाम बताओ ना। अरे खोल दो खोल दो खोल दो, हमका अरे बहुत चींटियां काट रही है रे। अरे अपने छोटे भाई पे दया करो रे, अरे खोल दो हमका खोल दो। ए भाया, ए बड़े भाया, अरे बहुत काट रही है रे, अरे हमारी बात तो सुनो, बहुत काट रही है। ए भाया सुन ना भाया, अरे बहुत काट रही है, न जाने कहाँ कहाँ काट रही है। अरे छोटे भाई की जान ले लोगे का भाया? अरे भाया आकर हमका खोल दो भाया, हम तो उपकार कर दो। अगर ये चींटियां तुमको काटती ना तब पता चलता। खोल दो हमका खोल दो। अबे जटाधारी राक्षस खोल दो हमका खोल दो। ए ज्यादा चिल्लाओ मत, अरे चींटियां हमारे पूरे शरीर में काट रही है, अरे खीर भी नहीं खा पा रहा हूँ, खोल दो ना हमका। महारानी का हीरे का हार चुरा कर कहाँ रख दिए हो? सच सच बताओ। अरे चोरी का सामान कोई अपने कमर से बांध के रखता है क्या? उसे उसी समय बेच दिया था, बहुत पहले की बात है, अभी क्यों पूछ रहे हो? खोल दो हमको। अरे वो हार को बेचना इतना आसान समझ रहे हो का? महारानी का हार है वो, बेचने जाओगे तो बचोगे नहीं। अरे बताओ कहाँ है? अरे बोल दिया ना एक बार, पता नहीं हमको बार बार काहे पूछ रहे हो। चलो छोड़ दो हमको, अगर नहीं छोड़ा ना तो इस पेड़ को ही उखाड़ दूंगा, बता रहा हूँ, छोड़ना। सराफत से पूछ रहे हैं तो बता नहीं रहे हो, हट। चलो बताओ कहाँ रखा है। ये हमारी तरफ ही आ रहा है, अरे बचा ले हमको, अरे ए, हमको काट लेगा रे। तो बता दो हार कहाँ रखा है, उसके बाद खोल देंगे। अरे कैसे बताऊँ, खोलोगे तभी तो बता पाऊंगा ना। अरे भाया खोल दे हमको, अरे सांप बहुत नजदीक आ गया हमरे, अरे जल्दी खोल दे वरना काट लेगा, मर जाऊंगा हम। चला निकाला है? ये सर तोड़ देंगे, अरे गाँव के नाम से चोरी करता है। अरे आगे चला। आ,
चलो जल्दी जल्दी निकालो, चोरी का माल यहाँ छुपाते हो। अरे चुप। अब जाओ अंदर, खुद ही हार ढूंढ लो। कहाँ कहाँ से चले आए? हाँ, मिट्टी के गोले में छुपाए हुए गहने। बाप रे, कितने गोले हैं! अरे वाह! कारे, खुद को बहुत बड़ा चोर समझते हो ना? फिर तारा निकलने के पहले महल में काहे घुसे? तारे का राह देखोगे तो काम खत्म नहीं होगा कभी। अगर थोड़ा और जल्दी जाते ना तो औरत तुमको देख लेती और तुमको फांसी हो जाती। सही कह रहा हो तुम, इसीलिए हर बार हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती। तुम वो तारे के बारे में क्या बता रहे थे? अरे बाद में घूर लेना, पहले बता भी दो। रात के तीसरे पहर को कातल काल पहर बोलते हैं। लोग मुर्दों की तरह सो रहे होते हैं। उस समय चोरी करने जाओगे तो सामान भी अच्छा मिलेगा और खतरा भी नहीं होगा। कैसा चोर है रे तू? साला, हमको जिसने चोरी करना सिखाया हमेशा आसमान की ओर देखता था। हमको लगता था भगवान को याद कर रहा होगा। अब समझ में आया। अच्छा बात बताओ, वो जमींदार को पेड़ काटने का सुझाव तुम्ही ने दिया था ना? ए, ऐसे बड़े भाई का अपमान करते हो। तुमने हमको इतनी बातें सिखाई पर यहाँ बेवकूफी कर गए ना। हम पेड़ पे नहीं चढ़े क्योंकि उस पे पंछियों का घोंसला है। उनके शोर से गांव वाले जाग जाते। तुमने पेड़ काट के हमारा काम आसान कर दिया। अरे तो इसमें क्या है, कभी हाथी भी चलते चलते लड़खड़ा जाता है। अच्छा ये बताओ, तुम चोरी का सामान इतना आसानी से लौटा कैसे दिए भाई? अच्छा वो तुम जहाँ चोरी करो वहाँ कोई आत्महत्या कर ले तो लोगन का तो यही लगेगा कि चोर ने मारा है। फिर सोचो हमने चोरनगढ़ का नाम नहीं खराब होगा का? फिर हमें मदद कौन करेगा? तोरी, तुमसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला भाया, आज बहुत खुश है हम। तुम फिर से चोरी करने तो जाओगे ना, फिर वहीं मिलेंगे। हम भी चलूंगा। ठीक है, चलता हूँ। अब का है? अरे जो मांगा था सब दे दिया तुमको। हमारे साथ मिलकर चोरी करोगे? तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, हमारी तो जिंदगी बन जाएगी। पर जरा उन चोरनगढ़ वालों का सोचो, हमको उनसे बहुत डर लगता है। अरे हम है ना, डरता का है। वो देखो, वो तारा का निकलने से पहले हमको चोरी का जगह से निकल जाना चाहिए। तोरी, चोरी में तो अभी बहुत कुछ सीखना है। हाँ, चोरी के लिए समय दिशा सब कुछ जरूरी है। लाओ हार दिखाओ। अरे बाल काट रहे हो, ए छोड़। अरे हमको इस तरह मार का रहे हो? अरे तो चोर को मारेंगे नहीं तो क्या उसका पूजा करेंगे? हम चोर है तो तुम का दरोगा हो? मार डालेंगे साले। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये गांव का असली मुखिया है, इसने गांव की इज्जत बचाई है। अरे
जल्दी समझाओ इसे। हम तो बोलते हैं इसका हाथ पैर काट दो। हाथ पैर? एक राखे तक गर्दन उड़ाए दो। इसकी जबान काट दो, ये बहुत बोल रहा है। मुंह में एक दांत भी नहीं बचाए पर कितना बोलती है बुढ़िया। छोड़ो उसे, कोई कुछ नहीं करेगा उसको, छोड़ो उसको। अरे बोला ना छोड़ो। अब सुनो हमारी बात, चारों दिशाओं में ढूंढने पर भी ऐसा चोर नहीं मिलेगा। अरे इसको चोरी करते हुए हम खुद देखे हैं, बिना कोई सबूत छोड़े चोरी करता है, बहुत बुद्धिमान है। इसलिए हमारा फैसला कि अब से ही हमारे दल में काम करेगा। बोलो क्या कहना है, छत से चोरी करने के लिए घुसता है? छत से गया तो कब बड़ा चोर हो गया, बड़ा चोर होता तो दरवाजे से जाता, छत से नहीं कारण हुआ से बुरी नजर वाले जाते हैं। बाबा छत से जाया दरवाजे से, इसके सफलता को जंगल में हमने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए हम इसको स्वीकारता हूँ। ठीक है, तुमने स्वीकारा है, का गांव भी स्वीकारेगा। प्रतियोगिता रखो, जीता तो अपने दल में रख लेना, अगर हारा तो गांव से बहुत मार मार भगा देंगे। सबकी कार आए है, प्रतियोगिता। हाँ तो ठीक है, प्रतियोगिता करनी है करवा लो। का जे चोर भी इसके लिए तैयार है? ए बुढ़ो, हम चोर हूँ तो तुम लोग सब का हो? चोरी होना भाया, हमको छोड़ने को कहो। छोड़ो उसको। प्रतियोगिता, अब बोलो क्या करना है, हम हर चीज के लिए तैयार हूँ। कालीचरण भाया, तुमने हमको बहुत बड़ा सम्मान दिया है, हम तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। अरे ऐसी प्रतियोगिता तो नाजुक हो, चौकटा बिगाड़ देंगे। ठीक है, अब बोलो, सबको पूछ के बताओ क्या करना होगा, बहुत भूख लगी है। प्रतियोगिता के लिए हम तैयार हूँ। चोरों को बहुत तेज दौड़ना पड़ता है, वो भी पहरेदारों से बच के। का तुम दौड़ पाओगे? खुद ही देख लो। खाली हाथ भागना तो बहुत आसान है, इसके हाथ में कोई भारी पत्थर दे दो। ए मौसी, पत्थर लेके तो हमें दौड़ सकते हैं, कोई भारी सामान दो। तो ठीक है, सामान दे के भी देख लो। हवा सरक गई का? होते संभाल रहे अरे बछड़े और भैंसा को साथ में उठा ले। देखना तुमको आज कैसे बाहर करते हैं। अच्छा, चला निकला यहाँ से, ऐसी बहुत प्रतियोगिता जीत चुका हूँ हम। जाओ जाओ, हम भी देखते हैं। सब लोग अपन हाथ में लाठी धर लो। लो रे, एक एक ठो ले लो। काजे इसे उठा के दौड़ पाएगा? उहे तो देखना है। बताओ किस गांव के हो, नाम का है, गोत्र का है, पूर्वज कहाँ से है? हमारा नाम बिरजू है, गांव का नाम पता नहीं, छोटे से थे जब माँ बाप चल बसे, तब से बस ऐसा नहीं बड़ा हो गया। सब तो ठीक है, पर कौन से भगवान को पूजा था? ओ सब हमको नहीं पता, बस ऊपर देख लेते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। तो ठीक है, मोड़ा समझदार लगता है, इसे कालीचरण के साथ जाने दो। लेकिन बाहर का कोई आदमी यहाँ नहीं रह सकता, इसको अपनी कुटिया टीले पे बनानी होगी। ठीक है, हम बना लूंगा। भाया, अगली अमावस को राजमहल में चोरी करेंगे। बिल्कुल करेंगे। पूरा गांव हमको देखकर हैरान हो गया। हाँ कि नहीं? यही महारानी के हीरो का हार है।
अनाज के 100 बोरियां तैयार हैं। प्यारे प्यारे गांव मेरे प्यारे, साथ में मिलके हम रहेंगे रे सारे। हम तो दुआ मांगे ना, अब तो बिना मांगे ऐसी फसल दी है तूने सबको। बलि देंगे ना अब तो दुआ मांगे ना, रब को बिना मांगे ऐसी फसल दी है हम सबको। आए खुशी के पल हुए दूर ये गम, हंसो खेलो खुल के मिलो छोड़ो ये शर्म। गांव में है खुशहाली ऐसे ही सदा रहे, छिन जाए ना खुशी हंसते ही रहेंगे। आने वाला सावन है, बीगा बीगा मौसम है, झूमो नाचो नहीं कोई गम है। प्यारे प्यारे गाँव मेरे प्यारे, साथ में मिलके हम रहेंगे सारे। तेरा तेरा नाम अब ऊंचा, हम रोज करेंगे सांझ सवेरे। कदम अब मिल के रहेंगे सारे, खाते हैं कसम, खाते हैं कसम, खाते हैं कसम। चाहने वालों के यहाँ चोरी न करेंगे हम, अब नाचने के लिए ही उठेंगे ये कदम। कोई सामना करेगा छोड़ेंगे ना उसको, पूरी नजर से न देखेंगे रे अब तो किसी को। प्यारे प्यारे गाँव मेरे प्यारे, तेरा तेरा नाम अब ऊंचा, हम रोज करेंगे सांझ सवेरे। यारो 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 यारो, हर दुख तकलीफ को गोली मारो। यारो 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 यारो, हर दुख तकलीफ को गोली मारो। सपना हमारा सच कर दाता, खून खराब हमको नभाता, कर तू हम पर कृपा। मजबूर होकर चोरी ना करें हम अब तो, बीवी बच्चों पर हमारे तरस तो खाओ। और क्या हम करें, पेट कैसे भरे, चोरी करे ना तो क्या करे। I'm
सवेरे। कौन है रे? हम हो रे बिरजू। अच्छा, गांव की सब मोड़ियां तोरे बारे में ही बताती है, तू यहां क्या कर रहा है? गांव को अच्छी तरह देख रहे थे। गांव देखने के बहाने यहां घूमना बंद कर, कहीं गांव की मोड़ियों से आंख मटक्का करने के चक्कर में तो नहीं हो? जाओ पूजा भक्ति में अपना ध्यान लगाओ। हम आपको मिलने आया हूँ और आप छोड़ो, चलते हैं। हाँ जाओ, बाद में आना। ठीक है। ए कालीचरण, उठ। अरे क्या हुआ बाबा, बोलो। बाहर वाले को गांव में रख दिया, पता भी है कौन है वो? वहाँ खागलपुर के पास एक चोर ने राज प्रहरी को मार दिया है। जे उनमें से हुआ तो तुम्हें भी मार दिया, तो पूरा गांव बर्बाद कर दिया। तो अरे वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो उसके पास हार था इसीलिए उसको ले आए। गांव में घुसने के लिए उसने हमसे झूठ बोला है, उसका कोई तो होगा। बाबा अभी तुम बहुत नींद में हो, कुछ भी बड़बड़ा रहे हो, जाओ, बेकार में तंग कर रहे हो। एक दिन जब वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगा तब हमारी बात याद आएगी। क्यों रे कनखजूरे, हमरा के देख के भी चल दिए? चोरनगढ़ की महारानी स्नान कर रही थी तो सोचा बाद में आए। रानी का स्नान हो गया है, अब चाहे तो बाहर का राजा भी आके स्नान कर ले। तो ठीक है, आते हैं। ए बिरजू, अब का है? तालाब में मगरमच्छ भी है, ध्यान रखना। हाँ रखेंगे, जरूर ध्यान रखेंगे। जंगल में जाओ, दारू पियो, खून पियो, फिर ना आओ, चोरी करो, डाका डालो, डरो ना, डरो ना। राह में हम ना थकेंगे, चोरी करके दम लेंगे, अपना मकसद एक ही है बस। चोरी है चोरी, चोरी चोरी है चोरी, चोरी चोरी है चोरी चोरी। बाबा बहुत गुस्सा है कि हम बिरजू को गांव में ले आए, चाचा भी उसको वापस भेजने के लिए कह रहे हैं, कहा करे समझ में नहीं आ रहा है। लाओ ये हमको दो। ऐसा काम करने के बाद तुम लोगों को 10-10 लोटा शराब चाहिए, बेशरम लोग। क्या कालीचरण, यह आओ तो आओ ना। अरे कहा है, तुम सब खुद को बहुत बड़ा चोर कहते हो ना, तो एक गांव का नाम हम बताएं। का? वहां चोरी करके दिखाओ तो जाने, हजार सालों में हुआ कोई चोरी नहीं हुई है। हम भी देखता हूँ गांव कितना सुरक्षित है।
छतरपुर इतना पहरा है कि चींटी तक ना ही घुस सकत है। कुछ चुराने की बात तो दूर है, बस हुआ के बाजार से मुट्ठी भर मिट्टी ले आओ, वही बहुत है। तो ठीक है बाबा, अगर हम वहाँ चोरी करके दिखा दिए तो वापस आके तोहरी सफेद दाढ़ी खींच लेंगे। ठीक है, चोर भाग गए। अब हम मालिक से कहाँ कहेंगे? वो जो पांच लोग थे, चार को हम भागते हुए देखे, एक कहीं कहीं होगा। चुप, हमारी बात सुनो। के बावजूद चोरी हो गई, ये बात लोगों का पता चल गया तो क्या होगा? ए भीमा, ये हमारी इज्जत का सवाल है। तुम चुप रह सकते हो पर हम नहीं रहेंगे। हाँ, हम चुप नहीं रहेंगे। अरे रुका हो, एक बार जो यहाँ आया वो यहाँ से भाग नहीं सकता, वो यहीं कहीं होगा।
अब तो सवेरा हो गया। इस समय तो कालीचरण को ना ही बचा पाएंगे, वो बेचारा मारा जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। चलो सब। कालीचरण के बिना हम नहीं जाऊंगा। जिसमें गुर्दा है वो हमारे साथ आओ, जो डरपोक है अपनी औरत के पास जाओ। आज तक जो भी हुआ चोरी करने गया है कभी लौट कर ना आवा। तो मेरी बहादुरी जाने बिना तुमका बहुत कुछ कह दिया, माफ करना। हे प्रभु हमार सुहाग की रक्षा करना। सामान ले आए, मौत से भी बच गए, पर इससे भी जरूरी बात कुछ और है। जीवा, जीवा! पहरेदार हमारे बिरजू को अलग नाम से पुकार रहा था। जीवा! पहरेदार हमारा बिरजू को एक जल्लाद की तरह देख रहा था। ये बिरजुआ हमसे कुछ छुपा रहा है। ए, रोना बंद कर। तुम्हारा ब्याह एक शेर दिल से हुआ है। जब वो चोरी करने जाता है ना तो लोग उसका पैर का निशान को प्रणाम करता है। अरे जय, इतना बहादुर आदमी है, पगली रो रही है। याद रखो हमारी औरतें खून बहाती हैं, आंसू नहीं। इलो, जंगल से औषधि लाए हैं, उसका पैर में लगाओ, देखना तीन दिन में भागेगा। अरे हमको अच्छे से मालूम है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हम तुम्हारा हाल जानने थोड़ी आए हैं। तुम्हारी बहन का हाथ हमारे भाई के हाथ में दे दो। ए, बिरजू, हमरा से शादी करोगे कि नहीं? ए मोड़ी,
सीधे आकर ऐसा कोई शादी का बात करता है का? पी रखिएगा। ओ, अब इसके लिए मुहूर्त देखेंगे का? कुछ लोग आए हैं हमारा हाथ मांगने के लिए, पर हम इस गांव को छोड़कर नहीं जाएंगे। अच्छा ये बात है, जब गांव के इतने सारे मोड़े तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तो हमसे शादी कहाँ करना चाहती है? तुम हमारा भैया को अपना जान पे खेल के बचाई के लाए थे ना, इसीलिए। अच्छा इसलिए, और अगर ना बचाया होता तो? कनखजूरे भैंसे गधे बैल बेवकूफ गमार, सर में भूसा भरा है तेरे, हम तुमसे प्यार करते हैं। हम भी तुमको चाहता हूँ, पर ब्याह नहीं कर सकता। ए, रुक, रुक, हम बोल रहे रुक। तुमको हम पर शक है ना कि जो लड़की पूरे गांव में खुला घूमती है सबके साथ सोती होगी? ए, हाल तुम मत बतियाओ, जाओ हटो। फिर का बात है, हम जवान हैं, सुंदर हैं, काहे नहीं कर सकते ब्याह? हमारा कद कम है, कोई बात नहीं, हम तो लिए 10 बच्चे पैदा करेंगे। अरे हमारा दिमाग मत चबाओ, जाओ किसी दूसरे मोड़े से ब्याह रचाओ। तुम्हारा भाई जैसा चाहता है ना, हम भी वही चाहता हूँ। हम तुमको ज्यादा नहीं देंगे, तुमसे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, ऐसा करोगे का? कहाँ कमी है हमें बताओ। नहीं कजरी, हम तुमसे ब्याह नहीं कर सकते। सदियों पुरानी बहुत कहानी के बारे में जानते हैं, पर एक बात हम अब तक नहीं जान पाए हैं। और वो क्या? तुम्हारी बात कर रहे हैं, तुम्हारा असली नाम का है, कौन गांव के हो, हमको कुछ भी तो नहीं मालूम है तुम्हारे बारे में। सब कुछ तो बता दिया हूं, हमारे माँ बाप थे, बचपन में गुजर गए। बात कितना बार बोलोगे? अरे गोत्र जाने बिना दल में शामिल कर सकते हैं, परिवार में नहीं। ये परिवार की बात काहे कर रहे हो? अरे कजरी जिद पकड़ के बैठी है कि तुम ही से ब्याह करेगी। बेजू, तुम्हारी बहन से ब्याह कर ले रहे है? पूरा गांव देखेगा, इतना धूमधाम से ब्याह करवाएंगे तुम्हारा। छोड़ो हमको। क्या हुआ, वो तुम्हारे लायक नहीं है का? ऐसे कोई बात नहीं, हमारी बहन बहुत अच्छी है, हमको उस बारे में बात नहीं करनी है। अरे कैसा आदमी है तू, पूरा गांव के विरुद्ध हम तुम्हारा साथ दिए, हम तुम पर भरोसा किए, गांव में किसी का भी नहीं सुने, वो पहरेदार तुमको जीवा बोला, हम तुमसे कुछ नहीं पूछे, जानते हो काहे? काहे कि हमारा जान बचाए तुम, तुमको कोई पसंद नहीं करता है, हम करते हैं। बोलता है ब्याह नहीं करेंगे, ना समझ, काहे ब्याह नहीं करोगे, जवाब दो, बोलो। हमारा ब्याह हो चुका है, हमारा ब्याह हो चुका है, हमारा ब्याह। चोरी करने गए सब लोगों का खबर कर दो, बाबा की मृत्यु हो गई है, सबका वापस आना होगा, बैल से लड़ाई के मुकाबले में कोई नहीं जाएगा, जाओ जल्दी से सबका कह दो। सब लोग जरा ध्यान से सुना, अगला बैल हमरा है, हमरे मालिक भानु प्रताप का। इस बैल से सिर्फ चौरनगढ़ के लोग ही लड़ेंगे। अगर इस बैल को चौरनगढ़ के लोगों ने वश में किया तो हमरे मालिक अपनी आधी संपत्ति दे देंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब हमरे नौकर बनेंगे। कहाँ है रे चोरनगढ़ वाले, कहाँ हो तुम सब? 3 बरस पहले तुमने हमरे बैल को मार गिराया था, इसी मैदान में हम आज तक वो बैल को भुला नहीं पाया हूँ। आज हमरे गांव वालों कहाँ हो सबके साथ?
देखा था आज तुम उनका कैसे बस में करते हो, किसी को भी नहीं छोड़ेगा वो। कालीचरण भाया। हे जगा, क्या हुआ? चोरनगढ़ में कौनो मरन नहीं ना का? क्यों जागा? चोरनगढ़ वालों, कहा सब तुम्हारे गाँव लोगों ने चूड़िया पहन ले का? हमका तो यह लागत है कि गांव में कोनो मरद का बच्चा नहीं बचा। भैया हम जाता हूँ। तुम नहीं जाओगे, ये हमारे गांव वासियों के लिए है, इसलिए हम खुद जाएंगे। अगर अगली आवाज तक कोई नहीं आया तो इसे हम तुम लोगों के हार समझेंगे। अब हम नहीं रुक सकता, हम जा रहा हूँ। अंदर आओ। तुम कैसे जाओगे भे? तुम हमारे गाँव के नहीं हो, यही रहो, हम जाएंगे। हमारी बात मानो भैया, तुम वहाँ नहीं टिक पाओगे, हमको जाने दो। ए, तुम हमको समझते क्या हो? ये सुनो, ये हमारे गांव की इज्जत का सवाल है और तुम हमारे गांव के नहीं हो। भैया सुनो तो, क्या कर रहे हो? अरे चोरनगढ़ में एक ही मर्द बचा है का? क्या रे अकेले आए हो? यहाँ बकरी से नहीं बैल से लड़ना है, लड़ पाओगे? चूहे कहेंगे। अपने बैल को तो भेज, साले का मार कर ही जमीन के अंदर गाड़ देंगे। ए, सुन रे, तू बैल की सींग तो क्या पूंछ भी नहीं पकड़ सकता। अरे पहले उसको बाहर तो निकाल, फिर देखना क्या करता हूँ। निकाल बाहर उसको। है निकाल बैल को बाहर। मार दे साले का। छोड़ना मत इसको। इस बैल से हम लड़ूंगा। नहीं तुम नहीं लड़ोगे। क्यों? तुम गांव के नहीं हो, गांव की इज्जत का सवाल है। छोड़ो हमें। जाओ। ये बाहर वाला है, निकालो इसको। हम बाहर वाला हूँ, हमको बाहर वाला बोलते हो? पता है हम कहाँ का हूँ? हम चोरनगढ़ का ही हूँ, यहीं पर जन्म हुआ। ब्याह करने के बाद हमारे पिताजी धर्मपुर चले गए थे, हम वो बिष्णु का बेटा। अब पता चला ना मैं चोरनगढ़ का ही हूँ और यही हमारी सच्चाई है। भैया
चोरनगढ़ के लोग हमेशा जीतते हैं। चोरी का सामान चाहिए तो लेकर चले जाओ। चोरी का सामान? थू, जानो तो ये कौन है? ये तो हमार मानव बलि है। पूरे 9 साल से ढूंढ रहे का। देखो ये जो भी है, लेकिन ये हमारे गांव चोरनगढ़ का है। हमारे गांव वाले को हाथ मत लगाना। जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। जौन होगा हम देख लेंगे, पर ही का नहीं छोड़ेंगे। चोरी करने लोग छतरपुर आए, हम तभी समझ गए थे यही इसका काम है, और जय इसने स्वीकार भी किया है। तुम हट जाओ बीच में से, देख क्या रहे हो, ले चलो साले को। जल्दी चलो। बाजार में अपने चाचा से मिली थी वही चोरनगढ़ वाला। अच्छा? चाचा ने हम दोनों को वहाँ बुलाया है। उन्होंने तुम्हें बचपन में देखा था जब तुम एक प्यारे से बच्चे थे। तो फिर तो क्यों ना हम दोनों जाकर उनसे मिलकर आ जाए। कहाँ? चोरनगढ़। और का? अरे चाची वो बहुत पास है क्या, जो ऐसे ही चल देंगे वहाँ पर। जाने के लिए पूरे 4 दिन लगेंगे, और फिर यहाँ की पहरेदारी कौन करेगा? और वैसे भी लोग चोरनगढ़ के नाम से ही गुस्सा हो जाते हैं। बेटा अब तुम भी अपने गाँव की बुराई तो ना करो, तुम्हारी माँ का गांव ही तुम्हारा साथ देगा। अच्छा, हमारी माँ का गांव हमारा साथ देगा? हम यहाँ के माने हुए पहरेदार हैं, उन चोरों के साथ नाता मत जोड़ो हमारा। जहाँ चोर होते हैं वही तो पहरेदार चाहिए। तुम्हारे पिताजी की वजह से ही तुम ऐसे हो। किसने की थी तुम्हारी मदद? अगर उन्होंने मदद ना की होती तो तुम अभी किसी खेत में यहाँ वहाँ की घास काट रहे होते। चुप बैठो ना, सर फोड़ दूंगा। देखा, तुम्हारी भाषा भी चोरनगढ़ जैसी है। तुम्हारे कौन खींचने वाले वही मिलेगी। तो चलो अब जाओ। अरे अरे अरे, अरे का कर रहे है, पगला गई है का? छोड़ने नानी हम सरफ नहीं होते हैं, दूसरे की सालियों का छेड़ा है। अरे का पगल पर है तुम्हारा? हाँ आज तो का कोई बचा नहीं पाएगा। बच के कहाँ जाई है? हाँ भैया, आज इसने फिर से शराब पी और दूसरे की साली को छेड़ा। आज एक और नहीं छोड़ी। अरे झूठ बोल रही, हमने कुछ नहीं किया। इसने नहीं किया? पूछो कहा क्या? ज्यादा कुछ नहीं भैया, यही पूछा कि खेत में क्या घास काटने जा रही है। ये पूछा, अब उसे शादी करके बच्चे पैदा कर लो। घास की बहुत चिंता है तुके। दोस्त तोरे सामने मार रही है। घास की चिंता है ना, खा मार। जाना था ओके जीजा कौन है? कौन? उस सांड जैसा मुच्छड़। ओके साली से मजाक किया। हाँ? ए, सालियों के साथ मजाक तो परंपरा है। की परंपरा? ये परंपरा अपनी साली के साथ निभाओ, हमारी नहीं। हमारी तो कोई साली नहीं है। का मतबल दूसरे के साली को परेशान करोगे तुम? है रुक जाओ। अरे हम सुनो तो। बोला था ना तो मार के। अरे रुको रुको, अरे रुको कह रहे हम। अरे अपनी बात मारो, मारोगे क्या उसको? काहे नहीं मारे? तुमको पता नहीं हमारी घरवाली पे जो बहुत बुरी नजर रखता है, गंदी नजर। अब हमारी साली के पीछे पड़ा तो हम इसको का छोड़ देंगे? तुम्हें बताओ अब क्या करें। अभी बताता हूँ। शरम आनी चाहिए तुमको। बावड़ा कहीं का। जाओ जाओ, साली की रक्षा करना बुरी बात है का? क्या इस गांव में कोई अपनी साली से प्यार नहीं करता? तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है।
सालियां खास होती हैं और आधी घरवाली भी होती हैं। चोरी से रक्षा करना, काले जादू से रक्षा करना, जीव जंतुओं से रक्षा करना, गांव की हर तरह से रक्षा करना, हे प्रभु। हमारे गांव के सारे पहरेदार सुरक्षित रहे। ध्यान रखना, प्रभु कृपा करेंगे। ए, हम जा रहा हूं रे। आ जाओ। जा रहा हूं पहरेदारी करने के लिए। जाओ, मैं जा रहा हूं। चला। ए जीव, पत्थर नहीं पड़ा का अभी तक? अरे चुपचाप चलो। क्या हुआ? होना का है, दिक्कत नहीं का? ए, बहुत देर हो रहा है, चलो जाओ। अरे जाओ जाओ। साले, अब तो का देर नहीं हो रही का? अरे तो भी तो लगा रहे तू देखा, टाका भिड़ गया तो दोस्तन को बुलाई दिया। छुपता चांद रे, नीले नीले रंग सा लग रहा है चांद रे, चल रहा है चांद रे, रुकने का नहीं नाम रे, जंगलों में पर्वतों में दिखता छुपता चांद रे। चांद चल रहा है रे, हमको यहीं छोड़ के फैल रही चांदनी, दिल के कोने कोने में छू ही लूं मैं चांद या तुझको लगा लूं गले। नीले 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 रंग सा लग रहा है चांद रे, चल रहा है चांद रे, रुकने का नहीं ना। के पिला दिया तूने जाम है, मुझको भी यहाँ होश है कहाँ, छाया है मुझ पे नशा तेरे प्यार का, नशा है हर जगह, नशा है हर तुझको लगा लूं गले। नीले 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 नीले
ए वीरू, बैल गाड़ी का आवाज आ रहा है, देखो जरा, देखो तो कौन है। तुम इस तरफ जाओ। हाँ हाँ जाओ, तुम उस तरफ जाओ। ए जीवा, हत्या का मजा आया कि नहीं? तू कहाँ इतना चल रहा है? अबे रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक, हो सकता है? पहले तो कभी देखा नहीं इसे। हम भी नहीं पहचानते इसे। कौन व्यापारी है, किसी का मेहमान तो नहीं है? सब लोग एक बार देख लो, दाढ़ी और बाल से तो तुम्हारी तरह लग रहा है। कल नौटंकी वाले आए रहे, पर वो तो कल ही चले गए। किसी ने गांव में अजनबी को आते देखा था का? नहीं देखा। अरे सब लोग सुनो, ऐसे क्यों खड़े हो? अरे चलो बताओ, कल रात को हुआ बाजार में कौन सोया था? हम सोए थे जीवा। तुमने देखा था कैसे? अरे आधी रात को आया था वो। ए, कौन है वहाँ? पास के गांव से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। हमने कहा ठीक है सो जाओ, हम भी सो गए। अरे बुजुर्ग आदमी होकर भी जिम्मेदारी से काम नहीं ले सकते? एक अजनबी गांव में आता है और फिर कोई जान पहचान के बिना उसको बीच बाजार में सोने देते हो? एक आदमी हमारे गाँव में रात में आता है और सुबह मर जाता है, वो भी सारे गाँव की मौजूदगी में। तुम लोग गाँव के पहरेदार हो, इसीलिए बताओ किसने मारा इसे। हम सब पूछ रहे हो, अगर कोई अजनबी गांव में आएगा तो क्या उसका गर्दन काट के मार देंगे? अरे कुछ जाने बिना गांव वालों को दोष नहीं दो। किसी ने तो मारा इसे, नहीं तो क्या ये आसमान से मरा हुआ टपका? आसमान से टपका हो या धरती से निकला हो, हमारे गांव वालों ने ये काम नहीं किया है। पहले हमको ये पता लगाना है कि ये है कौन। अरे क्या पता लगाना है, सिर्फ पहरेदारों को चार दिशा की खबर रहती है। जब इनको ही नहीं मालूम तो हम गांव वालों को कैसे पता लगेगा? अब सब हमारी बात सुनो, हमें लगता है कि आसपास के गांव को इसकी खबर कर देनी चाहिए। इस मुसीबत का क्रियाक्रम क्यों नहीं कर देते? बीच बजरिया में इसे रख कर इतना हल्ला काहे मचा रहे हो? बिल्कुल सही कह रही हैं। हम इस मुसीबत को काहे अपने सर पे ले, जल्दी से क्रियाक्रम करके जान छुड़ाओ। अरे क्या हो रहा है यहाँ? हटो हटो, हटो हटो हटो, का हुआ, का मामला? ए बाबा, तुम तो हर जगह पे जाते रहते हो, जरा इस लाश को देखकर पहचानो तो। कहीं देखा है का इसे? ना ही कुछ समझ ना ही आवत है, जंगल की गंध आ रही है, शायद किसी जंगल से आया हो। लेकिन हमारी एक विनती सुन लो, सब जगह इसकी मौत की खबर भिजवा दो, अगर तुम लोगों ने इसे नहीं मारा है तब भी है कौन इसका तो पता लगाओ। हमें तो लगता है गांव पे कोनो संकट आने वाला है, मरा हुआ आदमी हमको बेकसूर नहीं बता सकता। अब जो होना है होगा। सारे पहरेदार सुनो, तुम सब जोड़ियों में जाकर हर गांव में खबर कर दो, अब खड़े काहे हो? और एक बात, छतरपुर में खबर करें का?
राख कर दिया, अब हम उनका छोड़ेंगे नहीं। इनमें से एक को भी नहीं छोड़ना। हाँ, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। रुको, तुम मारेंगे आपको। मेरे घर नहीं चला दिए। कोई भी नहीं छतरपुर और धर्मपुर, ये दोनों गांव को खाली कर दिया जाए। तुम सब लोग कहीं और जाकर रहो। जब भी देखो हमारे पास शिकायत लेके चले आते हैं। चलो जाओ यहाँ से। कौन है वहाँ? फैसला कर दो। गांव में सूखा पड़ा है, गांव में ये हुआ है, गांव में वो हुआ है। इसकी 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 सबकी परेशानी सुनू मैं? ए, निकालो इन सबका बाहर। सरकार, सब भूल जाइए, आज से आपसे कोनो शिकायत नहीं करेंगे। हाँ राजा साहब, अब से जो भी खून खराबा होगा हम आपसे ऊकी शिकायत नहीं करेंगे। पंडित जी, क्या हम हाँ किसी को छतरपुर भेज दें? हाँ भिजवा दो। क्या कहते हो, छतरपुर खबर भिजवा दें? हाँ हाँ भिजवा दो, भिजवा दो। ठीक है, तो फिर तुम जोड़ियों में जाओ और खबर कर दो। ठीक है मुखिया जी। हमारी बात पूरी हो गई, अब तुम सब जाओ और शाम को जल्दी आना। हाँ जल्दी आ जाएंगे। देख लो कहीं ये तुम्हारे गांव वाला तो नहीं। नहीं, ये हमारे गांव से नहीं है। पता नहीं कौन है ये। आओ आओ जीवा, छतरपुर खबर कर दी। हाँ चलो ठीक है, बैठो। छतरपुर वालों ने लाश की पहचान करने के लिए इस राक्षस को काहे भेज दिया? अब ये आवा है तो साला कोई ना कोई झगड़ा पसाद जरूर करेगा। इस गांव के चाकू ने हमार गांव के एक आदमी का गला काटा है। हमार गांव के बुड्ढे तो हमारी बात मानेंगे नहीं ना, इसीलिए हम आए हैं। चलो हटो। तुम लोगों ने मेरे साले को मार दिया। तुम्हारा साला? हमने तो पहले उसे कभी नहीं देखा, आज सुबह सवेरे हमने उसे मरा हुआ पाया। चुप रहो। वो परिवार का इकलौता वारिस था, तुम लोगों ने उसे मार दिया। नहीं छोड़ेंगे। गुस्सा मत करो, शांति से बात करो। अब बात करने को बचा। रात को यहाँ आकर सोया था और सुबह हमने उसे मरा हुआ पाया, इसमें हमारी क्या गलती? वो यहाँ आके क्यों सोएगा? तुम लोगों ने ही चालाकी से उसे यहाँ लाया होगा और गर्दन काट के उसे मार डाला। ए माई, हमारे लोगों को खबर कर दो, इन्हीं लोगों ने हमारे साले की गर्दन काट के उसे मार डाला। एक माँ से उसका जवान बेटा छीन लिया। झूठा इल्जाम मत लगाओ। कह रहे हो बात कर रहा है, हमने बताया ना तुमको, ये हमारा ऊपर गलत इल्जाम है। उसको बता रहा है कि हुआ क्या, वो तो हमारी बात ही नहीं सुन रहा। ए जीवा, जब वो वापस आएगा ना तो बहुत खून खराबा होगा यहाँ। तुम जल्दी जाओ, राजा साहब को खबर कर दो इसके बारे में। ठीक है। और वीरू तुम हाँ? सारे औरतों और बच्चों को लेकर पहाड़ियों में जाकर छुप जाओ। गाय बैल बछड़ों सबको लेकर यहाँ से चले जाओ। चलो, जल्दी चलो चलो। अब शांति से हमें जीने नहीं देगा, अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। राजा साहब से नहीं, बिल्कुल नहीं।
हो खुद को? वचन दिया था ना राजा साहब को कि आगे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, फिर काहे दोनों लड़ने आ गए? राजा साहब का आदेश है कि सब गांव लौट जाओ। मूर्ख नहीं है कि यहाँ से लौट जाएंगे? जे सब जे जान के कर रहे हैं, न्याय मिले बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ए, बैठ जाओ सब, आज फैसला हो के रहेगा। चारे के साथ रहने की बजाय पिछली 5 पीढ़ियों से दोनों गांव के लोग लड़कर जान कमा रहे हैं, शांति से नहीं रह सकते का? कैसे रहे हम शांति से? आधी रात को मेरे साले की गर्दन काट दी, अब तक तो इन्हें जिंदा जला देते। वो तो आपको वचन दिए थे इसलिए चुप बैठे। हम भी रात को नगर की पहरेदारी करता हूँ और सवेरे आता हूँ। रात को कोई आया और सवेरे मरा हुआ मिला तो हम क्या करूं? पिछली बार की लड़ाई का पता लेने के लिए ये किया है, ये जाने थे किसने मारा? ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमको पता होता है किसने किया तो हम उसको मारकर जानवरों को फेंक देते। ऐसे कातिल को छुपाने के लिए गिरे हुए नहीं है हम। ए, मार डालेंगे। रुक जाओ, हम कहते हैं रुक जाओ। ये कहाँ चल रहा है? हमरे ही सामने जानवरों की तरह लड़ रहे हो? चलो बैठो, बैठ जाओ, सब शांति से बैठ जाओ। जिसकी मौत हुई है उसके परिवार वाले उठ जाए। बोलो देवी। 16 साल की आराधना और 5 बेटियों के 5 जन्मा था, ये सोच कर कि वो अब इस दुनिया में नहीं, हमारे कलेजा फटा जा रहा है। उसका खून यहाँ बहा है, अब जब तक यहाँ खून की नदियाँ ना बहेंगी चैन नहीं आएगा। हम इस माँ के दर्द को समझ सकते हैं, जरा देखो ये बिचारी का, इस उम्र में इसको इतनी तकलीफ होनी चाहिए का? देखो इसको, किसने मारा उसे? सरकार, अगर हमको पता होता तो हम आपको कब का बता देते सरकार। ए, उकी लाश तुम्हारे सामने तुम्हारे ही गांव में मिली है और तुम लोगन कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। की जिम्मेदारी अब तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। बोलो तुम्हें मंजूर है कि नहीं? और कोई रास्ता भी तो नहीं? जो आप कहेंगे हम उसका स्वीकार कर लेंगे सरकार। स्वीकार करने से क्या होगा? हमारा साला जिंदा हो जाएगा का? हमका खून का बदला खून चाहिए। हाँ। तुम चुप रहो, राजा जी आप फैसला कीजिए। बैठ जाओ। जो लोगन अपनी कटार उठाना चाहते हैं और खून से अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, उन्हें हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं। मानोगे हमारी बात? जब भी गांव में कुछ अच्छा होता है या कुछ बुरा होता है, हम देवता को खुश करने के लिए बलि चढ़ाते हैं। महाभारत में पांडवों की जीत के लिए अरावान की बलि दी गई थी और सबको ये बात मालूम है। सिर्फ कथाओं में नहीं, हमारी सीमाओं के दायरे में भी मंदिर बनाने के लिए, कुएं बनाने के लिए, महल बनवाने के लिए और सूखे का समय बारिश लाने के लिए कितने ही लोगों की बलि दी गई है, ये तुम लोगों अच्छी तरह जानते हो। अब एक गांव अपने ऊपर हुए अत्याचार पर न्याय मांग रहा है, अब दूसरे गांव का ये फर्ज बनता है कि तुम लोगों में से एक आदमी जो मरने वाले की उम्र का हो, छतरपुर के लिए अपने जीवन की बलि दे दे, तभी न्याय होगा। हुआ सांप सूंघ गया।
राजा साहब, हम आपका ये फैसला स्वीकार करते हैं। अब हम क्या कहें, पीढ़ियों से बलि देने की परंपरा तो चली आ रही है। राजा साहब, आपका ये फैसला हमें भी स्वीकार है। हाँ, कम से कम एक दूसरे का खून बहाने से तो अच्छा ही है। तुम लोगन फैसला कर लो कि बलि किसकी होगी, हम कल फिर आएंगे। इस तरह रोने से क्या होगा हैं? छतरपुर वालों से लड़े तो जानते हो, खून की नदियां बह जाएंगी, जान और माल दोनों का कितना नुकसान होगा। इतनी जाने जाने के बजाय एक जान जाना अच्छा है। जब इस गांव को बसाया गया था तो नदी में पानी लाने के लिए गंगाराम की बलि दी गई थी, वो पूरब से था। याद नहीं मेरे चाचा की बलि दी गई थी जब गाँव में हैजा फैला था, वो दक्षिण वाली समाधि उन्हीं की है। सुनो गाँव के पश्चिम वाले जवान, जरा इस तरफ आ जाओ। लाल पत्थर, जीवा पीला पत्थर, मलिया सफेद पत्थर, गोपी नीला पत्थर, कालिदास काला पत्थर।
गांव के लिए बलि चढ़ना बहुत सौभाग्य की बात है। मरने के बाद अमर हो जाओगे, देवताओं की तरह तुम्हारी पूजा होगी। नदी के उस पार वाली और नगर के बाहर वाली जमीन का एक टुकड़ा सप्रेम भेंट है तुम्हारे परिवार को हमारी तरफ से। ए भीमा, यहाँ। जी राजा साहब। इसमें 30 गांठे हैं, इसे मंदिर के बाहर बांध दो। हर सुबह एक एक गांठ खोलना, जब अंतिम गांठ खुल जाएगी तब इसकी बलि चढ़ेगी, तब तक ये आजाद घूम सका था। है ये बसेरा, जान तेरी छीनने का फैसला किया पत्थर ने, यही नसीब है तेरा। ओ सूरज सूरज अचानक तेरी रोशनी गायब हुई क्यों, ओ चंद्र चंद्र अचानक तेरी चांदनी गायब हुई क्यों, बिन आंसू बहा ये मांगा। ये है शान गांव की रे, ऐसा दूजा है नहीं रे, फिर भी इसे मरना कैसा नसीब है ये। कह दो कितनी दूर है, मरना ना चाहे फिर भी हम मजबूर है। ये जिंदगी मेरी उड़ जाएगी धुआं बनकर, मेरी मौत से फिर क्या रहेंगे यहाँ सब मिलजुल कर। दुनिया में प्यार ना होगा तो ये एक नरक ही होगा, जिस मौत को प्यास है मन को आस है मौत पास है क्यों। अग्नि ने मांगा, बैलों ने मांगा, जंगल ने मांगा, यमराज ने मांगा, इंसान ने मांगा, भूतों ने मांगा, प्रेतों ने मांगा रे, मांगा जीवन रे, मांगा जीवन रे। इसकी दास्तां जाने सब यहाँ, मर के भी अमर हो गए यहाँ, चांद की तरह चमकेगा सदा ये। ये है अरवन 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 अरवन, ये है अरवन 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 अरवन। तुम 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 तुम
देखो हम सही कह रहे हैं, हमारे पीछे क्या पड़े हो? देखो जाओ उका पूछो। अरे सुना, खाना खाने घर आ जाना, बढ़िया खाना बनाएंगे। भौजाई हम भी आएंगे रतिया का खाना खाने। क्या बोला तुमने, मार मार के हड्डियां तोड़ देंगे। ये तुम्हारी भौजाई कैसे हुई और ये तुम्हारा देवर कैसे हुआ? तुमसे हमारा रिश्ता है कि नहीं? रिश्ता है पर दुश्मनी का। तुम कह रही हो कि खाना बनाओगी और ये कह रहा कि खाना खाने आएगा। हमारे घर आने की कोई जरूरत नहीं, हमारे घर पर कोई जलसा नहीं। अब निकलो यहाँ से, चल अब घर चल तू। अरे हम सब जानता हूँ कि इशारों में का का हो रहा है। सबसे पहले तो बीच बजरिया में जाकर तोहरा सर मुंडवाता हूँ, चल कल मोही फिर का है रे? बाजार में उस आदमी को किसने मारा? ये क्या पूछा तुमने? हमारी पहरेदारी सबसे अच्छी मानी जाती है, तो बाहर से कोई आ सकता है का? नहीं आ सकता। तो फिर ए जीवा, अपने ही लोगन पर शक कर रहे हो? उन्होंने तलवार उछाल दी है और ओका नीचे गर्दन हमारा है। फिक्र मत करो, हम लोग पूरे गांव से पूछेंगे। हमारे पीछे काहे पड़े हो? तोका का लागत है ओका हम मारे हैं? ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ अपनी जान बचानी है। हमका जो भी याद था हम बता दिए, अब कुछ बाकी नहीं। ए, फिर से बताओ क्या हुआ था। पास के गांव से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करके सुबह चला जाऊंगा। गांव का कोई और सोया था का वहाँ? कौन हो, बाहर के लगा था हो? का गांव वाला होता तो क्या खाना खिलाते, सो जाओ चुपचाप। थोड़ा अंदर होके सोना, किनारे पे किसी कीड़े ने काट लिया तो मुश्किल हो जाएगी, कहीं यही मर गए तो हमारे गाँव में बेकार एक मुसीबत आ जाएगी। हम ऐसे नहीं मरने वाले, बड़े से बड़े कीड़े के काटने पर भी हम नहीं मरेंगे, बहुत मोटे चमड़ी के बने हैं। हमारे भाई अपने पैरों को मत हिलाओ, हमें नींद नहीं आती। देखा, हमका नहीं पता कि वो सच बोल रहा था कि मजाक कर रहा था, लेकिन सुबह जब हम उठे थे उस वक्त हरी वहाँ नहीं था। अरे नहीं, अरे हमको मरना नहीं, अरे छोड़ दो, हमको नीचे बता, हमको ऊंचाई से डर लगा था। सच बताओगे या नहीं? हमको नहीं पता, हमने उसे नहीं मारा, हमने तो उसे सावधान किया कि किनारे पे सोने से कहीं उसे कुछ काट न ले। हमका का पता था कि वो मर जाएगा। फेंकते साले, नहीं छोड़ता हमका, छोड़। फिर वहां से रात को चले गए? बताते हैं, बताते हैं। वो कहा है कि हमारी साली हमारे घर पर आई हुई है, ये बात इसको भी पता है। वो हमारे घर पर ही सोती है तो हमारी घरवाली हमें अपने साथ नहीं सोने देती, लेकिन उस रात उसने हमारी साली को अपनी चाची के पास पड़ोस में सोने के लिए भेज दिया था और हमें घर आने को कहा, इसलिए हम घर पे चले गए। बस घर पे जाने के लिए ही हम वहाँ से चले गए थे, हम झूठ नहीं बोला था, हम कसम खाते हैं। चाहे तो हमारी घरवाली से पूछ लो। का है ये सब, अपनी बिटिया को विधवा बना दूं? कुछ ही दिनों में उसकी बलि चढ़ने वाली है, जानते हुए भी बिटिया की शादी कर दूं उससे? का है, तुम्हारी बिटिया नहीं है का, तुम ही करा दो ना शादी। ऐसी बातें आप ना करें पंडित जी, आपके दुखी होने से पूरे गांव पे संकट आ जाएगा। तोहार बिटिया ने ही हमरे से विनती की थी कि इस बारे में हम तोहरा से जाकर बात करें,
तभी हम यहाँ पर आए हैं। जीवा मरने वाला है जानते हुए तुमरा ब्याह कैसे कर दे उससे? ठीक है, हम जीवा से ब्याह नहीं करेंगे, लेकिन अब हम उस आदमी से ब्याह करेंगे जो कभी नहीं मरेगा। काहे चुप हो गए आप? हाँ, जीवा जानत है कि वो कब मरेगा, और आप लोगों को नहीं पता कि आप कब मरने वाले हैं। 30 दिन के बाद जब वहाँ पर तुम्हारी बलि दी जाएगी, तब वहाँ हम देवी के मंदिर में जाके खुद को सती कर लेंगे। आप अगर शादी के लिए हाँ कहते हैं तो हम एक बच्चा जनेंगे और पूरा जीवन उसी के सहारे बिताएंगे, नहीं तो सती होके ही रहेंगे। हमारी बहुरिया को नजर ना लगे, तू जैसा चाहती थी वैसा नहीं हुआ ना। बहुत जिद्दी हो तुम। एक बात कहें, हम कल ही से उल्टी चालू कर दें? अरे बावरी हो गई है का? अच्छा, आप यहाँ का कर रही हैं? का मतलब तोहरा? हमने पहले से तैयारी कर ली है, अब आप इन लोगों के साथ दूसरा घर में रहेंगी, चली जाइए सोइए वहाँ पे। अरे तो बहुत ही चालाक है। आप ही की तो बहू है, सुनते हो? हमने उनको दूसरा घर में भेज दिया है, तो अब अरे भाई, छतरपुर गांव में घुसना ठीक नहीं होगा, हमारी बात सुनो। हमसे कहा कि गांव में शराब पीने जा रहे हैं और हमको धोखे से यहाँ लेके आ गए। चुप, हमें नहीं जाना, छोड़ दो हमका। हमका बहुत खुशी होगी जब जीवा को बलि चढ़ाएंगे। हाँ। लो मर गए। रुको, भाव लो, तुम लोग चेहरा कहाँ छुपाए हो? चल भाग ले, बैठ जाओ। कौन है, कहाँ से आए हो? पास के गांव से हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं। अरे बुढ़िया तो जिंदा है, काहे के श्रद्धांजलि? चुप रहो, न जाने कहाँ गए साले हैं। हमका लागत है साले धर्मपुर के ही होंगे। बहना, वो जो लाखन मरा था उसका घर कहाँ है? श्रद्धांजलि देनी है। अरे यहाँ से चलो, श्रद्धांजलि दे रहे, हम चले गाँव मारेंगे साले। किसी और को डराना, हम चले काम। जा और अकेले। ए आओ आओ। माँ, माँ कहाँ है तू? माँ, माँ। लाखन तुमरा हमरा भाई था, माँ कोई श्रद्धांजलि देने आए हैं, आवा। कौन सी अशुभ घड़ी में जन्म दिया था उसे, इतनी कम उम्र में मर गया। हमरे बिटवा के दोस्त हो, कौन गांव से आए हो? हम धर्मपुर से। तुम लोगों ने मेरे बेटे को मारा है, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा, नहीं होगा। सब नरक में जाओगे, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा, कभी। तुम्हारे बेटे लाखन के बदले हमारी बलि दी जाए, हमको मार डालो। माँ, मार डालो हमका, मार डालो। इलो इलो, मार डालो हमका अभी इसी वक्त। 30 दिन बाद मरूं या अभी मर जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? मार डालो हमका, मार डालो। तुम्हारा जो बेटा था वो हमारी दुश्मनी के कारण नहीं मरा। तुम क्या कहना चाहते हो? जब उनको पता है कि दोनों गांव में दुश्मनी है तो वहाँ आया काहे? छतरपुर के पहरेदारों ने हमें देख लिया, जितना जल्दी हो सके भाग लो।
माई, तुम्हारे बेटे के साथ हमारे कोनो दुश्मन नहीं थी। सुनो, चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो। रुको रुको, सालो कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ, रुको, जाओ जाओ, तुमको छोड़ेंगे नहीं, जाओ। अरे चलो, वो लोग मार देंगे, चलो चलो। चुप कर डरपोक, चुप रह, भागो भागो, चल चुप जाओ, चुप जाओ। हम तो कहते हैं जान प्यारी है तो भागो। इस लड़की को भेज कर वो हमको मरवाना चाहता है। चलो जीवा, जीवा चल यहाँ से। कहाँ ना रुका, इस मोड़ी को भेजने में जरूर उनका कोई चाल है। हमारी बात सुनो, उनके करीब ना जाओ, जरूर कोई चाल है। हमका डर लग रहा है कहीं चाकू ने मार दे। चुप रहे तू, हम कह रहे हैं हमारी बात सुनो, जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठ गया। भैया, हमारा भैया बहुत अच्छा था। क्या तुमने अपने भैया को किसी से लड़ते देखा था? हाँ, एक बार जब गांव में नौटंकी वाले आए रहे ना, तब पता नहीं किसी बात पे भैया उनसे लड़े थे। वैसे मेरे भैया बहुत अच्छे थे। ठीक है बेना, तुम जाओ। अब समझ में आ गया, पता चल गया। उस दिन उन नौटंकी वाले हमारे गांव में भी आए थे। जब वो आ रहे थे, हम अपने काम से वापस जा रहे थे। ए जीवा, इका मतलब वो हमारे गांव में उन्हीं को देखने आया था। उनकी फिर से लड़ाई हुई होगी और नौटंकी वाले ने उनको मार दिया। ए, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलो चलो, क्या कर रहे हो तुम, तो फिर से भागने लगे। रुको रुको रुको, ढोल की आवाज, नौटंकी वाले, चलो चल। ए, वो छतरपुर वाले को काहे मारा? वो मर गया का? सोचा कि छतरपुर में अब रहना ठीक नहीं है, इसलिए हम बिटिया को लेकर धर्मपुर आ गए, लेकिन उसने वहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। तुम जहाँ जाओगी हम वहाँ आएंगे। तुमने यहाँ तक हमारा पीछा किया, क्या समझते हो अपने आप को तुम? अगर ये तुम्हारी आँख में डाल देना तो अब भाई दिमाग की नस फट जाएगी। बोले डाले डाले, हम तुम्हारे हाथ छोड़े थे। अगर फिर से हमरा पीछा करने की कोशिश की ना, तो समझ लेना कि तुम गए। चलो, उसकी पिटाई करने के बाद उसी रात हम धर्मपुर छोड़ दिए। ए, तुम झूठ बोला था। वो सो रहा था और तुमने उसका गला काट दिया। अग्नि हमारा देवता है, झूठ बोलेंगे तो भस्म हो जाएंगे। मतलब तुमने उसको नहीं मारा? वक्त आने पर अपना सर कटा सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। गुमसुम काहे बैठे हो? चलो अब घर चलते हैं, तुम्हारी पसंद का मांसाहारी खाना बनाए हैं, चलो मिलकर खाते हैं। हमको अकेला छोड़ दो। अरे चलो ना, चलो चलो।
जाओ यहाँ से। हम तुम्हारी पसंद जानते हैं, तुम्हारे लिए मछली भी बनाए हैं। चलो चलो ना, चलो तो। समझती काहे नहीं हो, जब देखो सिर्फ खाना और सोना। जाओ यहाँ से। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम? खाना और सोना? हाँ बुला रहे, सोने के लिए बुला रहे। शादी किए तुमसे, मंगलसूत्र डालते वक्त सनम चलो का वादा किए थे, पर दो हफ्ते में हमारा मंगलसूत्र छिन जाएगा, हम विधवा हो जाएंगे। सब जानते हुए भी हम तुमसे शादी किए काहे? क्योंकि वो दो तीन दिन भी हम तुम्हारे साथ खुशी खुशी रह सके। पर नहीं, तुमको फिकारी नहीं है, जाओ। ए पगली, अरे माफ कर, अरे गलती हो गई हमसे, अरे तेरे पैर पकड़ता हूँ, माफ कर दे हमका, अरे माफ कर दे हमका। जब भी तोका देखते हमें जीने की इच्छा जाग जाती है। 100 साल तक रहना चाहता हूँ हम तुम्हारे साथ। हम बलि के लिए नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा हम बलि के लिए, हम बलि के लिए नहीं जाऊंगा रे। जान तेरे लूंगी, जान तेरे लूंगी, चुम्मा तुझे देके जान तेरे लूंगी, पलकों की छांव में तुझको छिपा के, चुम्मा तुझे देके जान तेरे लूंगी, सूरज चमके जैसे नीले अंबर पर मैं भी चमकूंगी, सूरज चमके छाँव में तुझको छिपा के, चुम्मा तुझे देके जान तेरे लूंगी। निभाऊंगा साथ तेरा, सहलूंगा हर एक सितम, प्यार तुझे मैं भी करूं जानम, अब तुम हो ना जुदा मुझसे मेरे सनम, अब खा लो तुम ही ये कसम, चलो खाई मैंने भी तुम्हारी कसम, होंगे ना जुदा कभी हम, अपने भी तब बचे होंगे, बच्चे होंगे सब वो तेरे जैसे होंगे, तेरे जैसे भी तो होंगे, ऐसे तू क्यों शर्मा गई, जान तेरी लूंगी, जान
जान तेरे लूंगा, जान तेरे लूंगा, चुमा तुझे देके जान तेरे लूंगा। सूरज चमके जैसे नीले अंबर पर मैं भी चमकूंगी, सूरज चमके जैसे नीले अंबर पर मैं भी चमकूंगी। तुम हो मेरे जानू जानम, तुम हो मेरे जानू जानम, तुम हो मेरे जानू जानम। पहले हमको गांव पहुंचना है, जल्दी चलो। आज 29वां दिन है, कल इसी वक्त को हमारा सर धड़ से अलग किया जाएगा। लाओ दो हमें। पास के गांव के सरपंच की कमर बंद है, बहुत ही मुश्किल से चुराए हैं हम। हाँ, खानदानी कमर बंद है ये, 30 पुस्तों की कमर पे बंधी है ये। जे देखो लोमड़ी के दांत, एक आंख वाले लोमड़ी के दांत हैं, बहुत ही महंगी चीज है। कितना दोगे इसका? चांदी के सामान का काय दें, इसका 2 बोरी अनाज दे देंगे। वापस काहे लिया रे? ये कोई चमड़े का पट्टा नहीं है, राजापुर जाके इसको बेचेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। हम तुम्हें 10 भेड़ भी दे देंगे। नहीं चाहिए तुम्हारे भेड़ और उनके लिए। ए भालू, ए भैंसे, छोड़ो रे, जाने दो। कहाँ नहीं जाने दो? भेड़ और उसकी लीद। कहाँ ना जाओ, सर फोड़ देंगे। जाओ तोरी तो बात नहीं करने देंगे। कौन थे ये? हमारी जान के पीछे पड़े थे, अच्छा हुआ तुमने बचा लिया, वरना ये चांदी का सामान। चांदी का सामान? चांदी? हम तो चांदी नहीं, हम तो ऐसे ही बड़बड़ा रहा हूँ। तुम कहाँ छुपा रहे हो, दिखाओ। नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। उस रात वो अजनबी आया था ना हमारे गांव में, उसकी गर्दन कटी हुई थी, ये उसके हाथ में था। तो उस दिन झूठ काहे बोला था? वो तो उस दिन बोला था ना, आज तो सच बोल दिया। Thank you.
जवानी को उसने नोच नोच कर बर्बाद कर दिया। उसने हमारे साथ बलात्कार किया और यहाँ छोड़ दिया नरक में। काहे आए हो? जमीन का टुकड़ा कम लगा का? कुछ और चाहिए का? अरे ये तो हमार कमरबंद है, खो गया था। आपने उस छतरपुर के आदमी को काहे मारा? मारा आपने और सजा हम भुगत रहा हूं। राजा साहब, आपको इतने समय से खानदान के चिराग के आने का इंतजार था ना? भगवान ने आपकी सुन ली है, रानी साहिबा पेट से है, लगता है लड़का ही होगा। गिरा दो उका। ये आप क्या कह रहे हैं? कहा ना गिरा दो। राजा साहब, दाई माँ आप जाइए, इनसे हम बात करेंगे। आपने हमें छुआ तक नहीं, फिर भी हम पेट से कैसे हो गए? यही सोच रहे हैं ना, आपको हमारी खूबसूरती भाग गई तो हमें पाने के लिए हमारे पिता को मार डाला, हमें यहाँ उठा लाए किस लिए? खानदान का चिराग चाहिए था ना आपको? मेरे राज्य के सब लोगों को आपने अपना सेवक बना लिया, लेकिन अब आपके राज्य को कोई राजा नहीं, एक सेवक का बेटा चलाएगा। अब ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे पेट में एक सेवक का बच्चा है, जो होना था वो हो गया। आपको मारने के लिए तलवार नहीं, ये सच्चाई ही काफी है। कौन था वो? महल में अत्तर बेचने एक आदमी आया था हुकुम। खुशबू ही खुशबू, आपके पूरे बदन में खुशबू ही फैल जाएगी। ऐसा कमाल का अत्तर लाए हैं हम झूठ नहीं बोल रहे। आप ही ने तो कहा था हुकुम की छोटी रानी के पास ले जाओ। आ जा। रानी को अत्तर पसंद आ गया हुकुम, और अत्तर बेचने वाला भी। रामपुर में नौटंकी देखने गया है, अपने हाथों से मारना चाहते थे हम उसे। मतबल खून आपकी है ना, चलिए
भरे बाजार में सबको सच्चाई बताइए। बकरे और मुर्गियों की बलि दी जाती है, हाथी की बलि सुनिए। अब तो का पूरी सच्चाई पता चल ही चुकी है, तो का हम पागल हैं जो तोहे यहाँ से जिंदा जाने देंगे? मुखिया जी, हम सब तरफ ढूंढे पर जीवा का कोई पता नहीं चल पाया। ए, वो यहीं कहीं होगा, जाकर ठीक से ढूंढो उसे। पूरा गांव ढूंढ लिया मुखिया जी, वो नहीं मिला। ये का कह रहे हो तुम? घर पर भी गए थे मुखिया जी, वहाँ भी नहीं है। इसी ने उसे कहीं छुपाया होगा। ए, ठीक नहीं हो रहा है। कहाँ छुपाया अपने दामाद को? बोलो, तुम्हारा दामाद कहाँ है? बली कहाँ है? हमें माफ कर दो भीमा, अब तुम सब मरोगे। अरे हमारी बात सुनो रे, अरे हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। मार दो सबको, चलो। धर्मपुर के मुखिया कुछ कहना चाहते हैं? ए, हम जानते हैं, हमने एक आदमी का बलि चढ़ाने के लिए वचन दिया है, अबू नहीं तो दूसरा देंगे। पहले किसी और का नाम बोलते हो, अब बलि किसी और की देंगे? चलो ठीक है, लेकिन पहले पूरा धर्मपुर हमारे पैर पकड़कर माफी मांगी। चलो मछली बार के बचे हुए युवक आगे आ जाओ। पीला पत्थर निकला है, वीरू की बलि चढ़ानी होगी। नहीं। जीवा भगोड़ा नहीं है, बहादुर है, वो जरूर वापस आएगा। बहादुर पहरेदार है, उका खातिर जान देना गर्व की बात है।
बच नहीं पाओगे। हम पकड़े नहीं जाएंगे। कुल देवता, हम आपके पास आ रहे हैं। नदी के पास तुम बेहोश पड़े मिले थे। लगता तो नहीं कि तुम यहाँ के हो। अब चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। किसी को नहीं मारा है माई, हम बलि चढ़ूंगा। बलि के लिए गए तो ईजो आने वाला है, उसे नहीं देख पाओगे। जीवा, बलि के लिए जाना है तो अभी जाओ। तुम्हारे बच्चे का मुंह देखना है तो 10 साल बाद आना। बलि चढ़ने वाला अगर 10 साल तक न मिले तो गांव वाले उसका माफ कर देते हैं, यही परंपरा है। तब तक तुमका कहीं भी छिप कर रहना होगा। अगर तब तक चुप रहे तो मौत नहीं आएगी। जे एक गांव का पंडित नहीं बोल रहा, एक पिता बोल रहा है जो अपनी बिटिया को विधवा होते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। चले जाओ, जाओ यहाँ से। चले जाओ, चले जाओ। हम पर ये उपकार कर दियो, चले जाओ यहाँ से।
कौन हो तुम लोग, हमें कहाँ रोक रहे हो? हम धर्मपुर के पहरेदार हैं। अरे तो हमसे क्या चाहिए? तुमने धर्मपुर की एक चीज को चुराया है। हम चुराया हुआ सामान लौटाते नहीं है। चल रास्ते से हट जा। हम नहीं हटेंगे। अगर तुमने हमारी चीज हमको नहीं लौटाई तो ध्यान रखो, हम डर जाएंगे। का चला जाए, चल गाड़ी बढ़ा। ए, तुम ऐसा नहीं जा सकते, हम दुकान नहीं जाने देंगे। कहाँ है भैया? तो रुक, हम देखता हूँ क्या करेंगे ये लोग। ए, चल गाड़ी बढ़ा, हट जाओ रे सब। भैया हमको जाने दो ना। क्या कह रहे हो? हम इस तरह का जीवन से थक गए हूँ। तू पगला गया होगा? छोड़ दो हमको। अरे ए बिरजू छोड़ दो, हम कहते हैं रुक जाओ। साल और रुक जाते, पहले ही पकड़े गए। हमारा नसीब। खुद को बेकसूर साबित करना चाहता था, इसीलिए भागा था, जान बचाने के लिए नहीं। माफ कर दो हमको, हम तोहरा गुनहगार हो। वीरू हमारा भी भाई था, सब खत्म हो गया। हमको माफ कर दो। सबे कई बात कह रहे हैं, एक साल और रुक जाता रे, तब तक वो बैल तुमको मार देता भाया, और चोरनगढ़ की इज्जत भी तो दांव पर लगी हुई थी भाया। इसी बात की खुशी मन में लिए कि हमने गांव की इज्जत बचाई है। हम जा रहा हूं। हम तोरा बाप हो रे। ये हमारा बेटा है, इसको एक बहादुर पहरेदार बनाना। एक चोर को ही जिम्मेदारी दे रहे हो। अभी चोरी चकारी छोड़ दो,
चोरनगढ़ में अब कोई चोरी नहीं करेगा। हाथ में लाठी लेकर सब पहरेदारी करेंगे। चोरनगढ़ के पहरेदार सबसे बहादुर होने चाहिए। के बेटे को बुलाओ। से हो तुम चाचा की याद आती थी। ए, समय काहे बर्बाद कर रहे हो, मारो मारो मारो, मारो से। हमको मार कर तुम अपने हाथ गंदे मत करो बेटा, खोल दो हमको। पहरेदार लोग लौटा का है नहीं अभी तक? उका रहे हैं सब लोग, दिखाई नहीं देता। हाँ, सब आ रहा है।